आसानी से कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डबल क्लिक करिए, प्ले करिए और आसानी से पहले प्रोजेक्ट को चेक कर लीजिए। अब प्रोजेक्ट चेकिंग वर्क आपने किया, अब उसके बाद मान के चलिए कोई प्रोजेक्ट आपको पसंद आया, ये प्रोजेक्ट मुझे बनाकर अपने कस्टमर को देना, तो एडिटिंग कैसे करेंगे अब? जैसे ये प्रोजेक्ट मुझे एडिट करके अपने कस्टमर को देना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो प्रोजेक्ट पसंदीदा प्रोजेक्ट है उसको लाना है और लाकर आपके टाइमलाइन के ऊपर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट को लाना है और लाकर सिंपली आपके टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो ये मल्टी लेयर एडिट किया हुआ पूरा का पूरा टीजर आपके टाइमलाइन के ऊपर आ चुका है। अब इसको एडिट करके मुझे अपने कस्टमर को देना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि मुझे ये टीजर प्रॉपरली दिखे। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने एक्सपेंड किया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको टाइमलाइन के ऊपर, बहुत सारे मल्टीपल फुटेजेस दिख रहे हैं जो कि कंपनी द्वारा यूज किए गए हैं। इन्हीं के ऊपर आपको स्लो मोशन, फास्ट मोशन, रिवर्स मोशन, एक्सक्लूसिव ट्रांजेक्शन फिल्टर्स का यूज करके ये बिट टू बिट आपका टीजर बना हुआ। अब यही सेम टीजर आपको आपके कस्टमर को देना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कंपनी द्वारा यूज के लिए रेफरेंस फुटेजेस है उनकी जगह पे मुझे अपने कस्टमर के फुटेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, ये फुटेजेस जो कंपनी ने यूज किए हैं ये कहाँ से यूज हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली फाइंड करना है, तो आप किसी भी क्लिप को सिलेक्शन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक हाईलाइट एंड बिन का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन होकर मिल जाता है कि क्लिप कहाँ से यूज हो रही है, यानी कि आपको ये क्लिप कहाँ से यूज हो रही है फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके हाईलाइट एंड पिन करना है। बाय डिफॉल्ट क्लिप का सिलेक्शन करके सॉफ्टवेयर आपको दे देता है, ये सॉफ्टवेयर सर स्मार्टली वर्क करता है, यानी कि आपको सिर्फ इसको ऑर्डर देना है, ये सारा काम आपको करके देगा। तो आपका ये टीजर के अंदर यूज के लिए जो क्लिप्स है वो आपको यहाँ पे मिल चुकी है, यानी कि ये बिन के अंदर से आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, फुटेज फोल्डर के अंदर से यूज हो रहा है। अब आपको सेकंड थिंग क्या चाहिए, आपके कस्टमर का फुटेज। तो आपके कस्टमर का फुटेज किधर से मिलेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं, आपको सिंपली असेंबली मोड के ऊपर क्लिक करना है। असेंबली मोड के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर पूरा हार्ड ड्राइव एक्सेस करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिंपली आपने अपने कस्टमर का रॉ डेटा जहाँ पर भी स्टोर करके रखा है सिंपली वो लोकेशन यहाँ पर ओपन कर लीजिए। मैंने क्या बोला, रॉ डेटा, यानी कि आपको आपके कस्टमर के रॉ डेटा के साथ अगर आपका टीजर प्री वेडिंग हाईलाइट बनाया ना, मिनटों के अंदर आप बना सकते हैं। अब देखिए मेरे को यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर में मेरे कस्टमर का रॉ डेटा दिख रहा है जो उसने शूटिंग करके मुझे दिया। अब इस रॉ डेटा को अगर आपको चेक करना है, कस्टमर के द्वारा शूट किए गए रॉ डेटा को अगर आपको चेकिंग करना है कि क्या शॉर्ट शूट रेट उसने दिया है, तो आप सिंपली डबल क्लिक करके आसानी से प्रीव्यू बॉक्स के अंदर उसको प्ले करके चेक कर सकते हैं। यानी किसी भी क्लिप का चेकिंग करना है कि क्या शूटिंग करके आपके कस्टमर ने दिया है, आप आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हो। किसी भी क्लिप को क्या करना है, डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके प्ले करके आसानी से आप उसको चेकिंग कर सकते हो। यानी कस्टमर का फुटेज आपने चेक कर लिया कि क्या उसने शूटिंग करके दिया है, मैं उसको कहाँ कहाँ पर यूज कर सकता हूँ, वो सारा चीज मैंने यहाँ पर चेक कर दिया। ठीक है, अब आपको मान के चलो हमारे रेफरेंस फुटेज को चेक करना है, तो यहाँ पर एक स्लाइडर दिया हुआ है आपके पिन के नीचे, सिंपली एक स्लाइडर दिया हुआ है, इसको आप हमने छोटा बड़ा करके भी आसानी से हमारे रेफरेंस फुटेज को भी चेक कर सकते हो कि क्या फुटेज हमने यहाँ पर यूज किया है इस टीजर के अंदर। अब आपने अपने कस्टमर का डेटा भी चेक कर लिया और हमारे रेफरेंस फुटेज भी चेक कर लिया, अब आपको ये टीजर बनाना है। तो टीजर बनाना तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप देखिए टीजर के अंदर में ये पहला शॉट यूज किया है, पहला क्लिप यूज किया गया है गेट एंट्रेंस का शॉट, यानी कि ये डेकोरेशन का शॉट यहाँ पे यूज किया गया। अब इस क्लिप की जगह पे मुझे अपने कस्टमर का कोई एक क्लिप रिप्लेस करना है, तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस क्लिप को यानी कि ये जो फर्स्ट क्लिप है इसको आपको सिलेक्शन कर लेना है आपके बिन के अंदर। ये जैसे ही सिलेक्शन करते हो ये ब्लू कलर का आपको दिखता है। अब ये क्लिप आपकी सिलेक्शन हो गई, इस क्लिप की जगह पे आपको कस्टमर का कौन सा क्लिप चाहिए उसको सिलेक्शन कर लो। जैसे मान के चलो कि मेरे को कस्टमर का ये वाला क्लिप चाहिए एज ए फर्स्ट क्लिप, तो मैंने इसको सिलेक्शन किया। अब रिप्लेसमेंट करना, तो रिप्लेसमेंट कैसे होगा, सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको माउस से इस क्लिप को उठाना है, यानी यहाँ से ड्रैग करना है राइट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास जो बिन के अंदर में हमारा रेफरेंस फुटेज है उसके ऊपर लाकर सिंपली ड्रॉप कर देना है। क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी राइट हैंड साइड से अपने कस्टमर का डेटा उठाया और लेफ्ट हैंड साइड में